हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपांशी सेठी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ को डावर देने से मना करे तो उस केस के अंदर वाइफ के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी। बट बिफोर दैट, अगर आपने डावर की वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, तो उस केस के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले जाके डावर की वीडियो देखो। आई विल एड द लिंक इन द आई बटन। ओके, सो उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। सो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी। अगर हस्बैंड वाइफ को डावर देने से मना करता है तो उस केस के अंदर वाइफ के पास मेनली तीन रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट, राइट टू रिफ्यूज कोहैबिटेशन, सेकंड, राइट टू फाइल सिविल सूट एंड थर्ड, राइट टू लियन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट टू रिफ्यूज कोहैबिटेशन को। बेसिकली जब हस्बैंड अपनी वाइफ को डावर देने से मना करता है तो उस केस के अंदर वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है अपने हस्बैंड को। बट ये राइट सिर्फ तब अवेलेबल है अगर मैरिज अभी तक कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है। अगर मैरिज ऑलरेडी कॉन्ज्यूमेट हो चुकी है तो उस केस के अंदर वाइफ के पास कोहैबिटेशन रिफ्यूज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर वाइफ सपोज हस्बैंड से दूर रहती है ये कहकर कि आपने मुझे अभी तक डावर नहीं दिया है एंड आई डोंट वांट टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशन विद यू, तो उस केस के अंदर हस्बैंड इस चीज़ को प्रूव कर सकता है कोर्ट में कि हम दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑलरेडी हो चुका है। अब ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पब्लिकली प्रूव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हस्बैंड अगर सिर्फ इतना भी प्रूव कर देता है कि हम दोनों आइसोलेशन में रहे हैं और जहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन फॉर्म हो सकता था, तो वहाँ पर कोर्ट जो है ये एक प्रिजम्पशन रेज कर देता है कि येस देयर वॉज अ रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, देयर वॉज अ सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको हम खिलाफत उल सिहा भी बोलते हैं और जिसको हम वैलिड रिटायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है ये एक प्रिजम्पशन रेज कर देता है। बट कोर्ट ने सिर्फ एक प्रिजम्पशन रेज करी है तो वाइफ चाहे तो इसको रिबट भी कर सकती है। अब वाइफ इसको रिबट कैसे करेगी? वाइफ कैन रिबट इट बाय सेइंग कि देयर वाज अ फिजिकल इम्पेडिमेंट। उसको ऑब्वियसली प्रूव करना पड़ेगा व्हाट इज फिजिकल इम्पेडिमेंट, कि दोनों ही पार्टी में से कोई एक पार्टी या तो पैरालाइज था या फिर द हस्बैंड इज एन इम्पोटेंट। तो ऐसी केस चीज़ें अगर वाइफ प्रूफ कर देती है तो उस केस के अंदर जो भी प्रिजम्पशन कोर्ट ने रेज करी है वो रिबट हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर वाइफ लीगल इम्पेडिमेंट प्रूफ कर देती है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अगर एक वाइफ जो है और हस्बैंड जो है वो अगर पिलग्रिमेज पर हैं, किसी धार्मिक उस पर गए हैं, धार्मिक टूर पे गए हैं, तो उस केस के अंदर दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी सेक्सुअल कोर्स, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। सो उस केस के अंदर भी अगर ऐसा कुछ वाइफ प्रूफ कर देती है तो वो भी जो प्रिजम्पशन है वो रिबट हो जाएगी। या फिर वाइफ जो है वो कोई मॉरल इम्पेडिमेंट प्रूफ कर देती है, जैसे कि मुस्लिम्स के अंदर इफ अ वाइफ इज अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन, अगर वाइफ को मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो उस टाइम पे भी उस टाइम पर भी हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू फाइल सिविल सूट। तो जस्ट लाइक अगर कोई एक क्रेडिटर है और जिसके पैसे डेटर नहीं उतार रहा है, जस्ट लाइक एक वाइफ जो है जिसका हस्बैंड ने डावर पे नहीं किया है वो भी एक सिविल सूट फाइल कर सकती है हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है। और ये जो सूट है विद इन 3 ईयर्स ही फाइल होना चाहिए, मतलब कि लिमिटेशन जो है वो विद इन 3 ईयर्स आपको सूट फाइल करना है जिस दिन से आपको हस्बैंड ने डावर देने से मना किया है। उसके बाद आता है राइट टू लियन। राइट टू लियन जो है ये राइट जो है वाइफ सिर्फ मैरिज डिसॉल्व होने पर ही एक्सरसाइज कर सकती है, जैसे कि या तो हस्बैंड की डेथ हो गई है या फिर मैरिज बाय डिवोर्स डिसॉल्व हो गई है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि अगर सपोज वाइफ हस्बैंड के किसी प्रॉपर्टी में रह रही है और हस्बैंड की डेथ हो गई है,
तो उस केस के अंदर वाइफ के पास ये राइट है कि जब तक उसके सक्सेसर्स जो हैं, जिसके पास भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी जानी है, जब तक वो डावर का पैसा वाइफ को नहीं दे देते हैं, तब तक शी कैन स्टे इन दैट प्रॉपर्टी, तब तक शी कैन हैव द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। बट यहाँ पर उसके पास सिर्फ पोजेसरी राइट होता है, उसके पास कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? और जैसे ही वाइफ को अपना डावर अमाउंट मिल जाता है, उसका राइट टू लियन जो है वो ख़त्म हो जाता है और प्रॉपर्टी जो है वो एलआरस के पास चली जाती है। क्लियर? सो नॉर्मली राइट टू लियन का जो राइट होता है ये अगेंस्ट दी एलआरस होता है, बट इन केस ऑफ डाइवोर्स दैट इज़ अगेंस्ट दी हस्बैंड एज वेल, ठीक है। तो अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस केस के अंदर ये राइट होगा एलआरस के अगेंस्ट, और अगर आपने डाइवोर्स लिया है और आप हस्बैंड की प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो उस केस के अंदर ये राइट आपका अगेंस्ट हस्बैंड भी हो सकता है। So that was all for today's video. If you like my videos, please don't forget to press the like button and please share it with your friends as much as you can so that they can also get the knowledge about Muslim law.